आप देख रहे हैं जी बिजनेस की स्पेशल कवरेज। पहले एशियन मार्केट्स देखते हैं क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी जो 6 अंकों के आसपास की बढ़त शो कर रहा है। रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले मैं कहूंगा माइनली पॉजिटिव, ज्यादातर मार्केट्स दिखाई दे रहे हैं। हैंगसेंग और शंघाई को छोड़ दीजिए आप, लेकिन निके पे देखिए 100 अंकों के आसपास की बढ़त है, आधे फीसदी के गेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा ताइवान जो है उस पर भी आधे फीसदी गेंस। तो मिक्स क्यूज एशियन मार्केट से है, लेकिन आज टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे डेफिनेटली और शो शॉर्ट देखने को मिलेगा। जो बदलाव किए जाएंगे, इनफैक्ट अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चेयरमैन कौन होगा टाटा सन्स का, जिसकी नियुक्ति अगले 4 महीने में यहाँ पर होनी है। लेकिन ओवरऑल जो कंटेंडर्स हैं, एक बार फिर से वो सूची देख लेते हैं। इंदिरा नुई सीईओ पेप्सी की जो है, भारतीय मूल के अमेरिकी कॉर्पोरेट, इनका नाम प्रबल दावेदारों में आ रहा है। तो इंदिरा नुई कंटेंडर है जो इस रेस में सबसे आगे है। मिस्त्री के बाद अब जो कंटेंडर ढूंढने की प्रक्रिया है उसमें अरुण सरीन, फॉर्मर सीईओ वोडाफोन, भारतीय मूल के अमेरिकी कॉर्पोरेट, ये भी हैं। 2003 से 2008 के बीच वोडाफोन पीएलसी के सीईओ रहे हैं, इनका नाम बताया जा रहा है जो सबसे आगे है। सूत्रों के हवाले जो लिस्ट निकल के आई है उसमें अलग अलग जो नाम है उसमें नोयल टाटा शामिल हैं, टाटा इंटरनेशनल के ट्रेंट के चेयरमैन हैं, इनका नाम जो है वो इस लिस्ट में है, टाटा सन्स के चेयरमैन बन सकते हैं। इसके अलावा एन चंद्रशेखर टीसीएस देखिए, एन चंद्रशेखर ने जब से कमान संभाली उसके बाद से रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस रही है इस कंपनी की, तो ये प्रबल दावेदार हैं। बी मुथुरमन टाटा ग्रुप के, टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन हैं, और इनका नाम बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये टाटा सन्स के चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार हो। तो ये सूची आप देख पा रहे हैं जी बिजनेस में जो इस रेस में सबसे आगे। लेकिन फिर से अंचल के पास चलते हैं, और अंचल अब मुद्दा ये है कि ये जो परफॉर्मेंस रही है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं। एक तो जब से साइरस मिस्त्री ने कमान संभाली टाटा सन्स की, उसके बाद से यहाँ पर टाटा ग्रुप के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर कीजिए, और साथ साथ परफॉर्मेंस कैसे रही पूरे ग्रुप के। देखिए रजत, आपको समझा दूं, ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? टाटा ग्रुप को अगर आप पूरी देखेंगे, पूरा ग्रुप करीब करीब 103 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट कर चुका है 2015-16 में, तो बहुत बड़ा ग्रुप है। सिर्फ इंडिया के कंपैरिजन में नहीं, ग्लोबल ग्रुप्स की टक्कर में कॉन्ग्लोमरेट माने जाते हैं टाटा सन्स। वहीं अगर आप कुल इंप्लॉयज की बात करें, 100 से ज्यादा देशों में कामकाज करती है पूरा ग्रुप का कामकाज है, 6.6 लाख से ज्यादा इंप्लॉयज हैं कंपनी ग्रुप के, तो बहुत बड़ा ग्रुप है। साथ ही साथ इसकी करीब 96 ग्रुप कंपनियां हैं जिसमें से 29 लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर, और साथ ही करीब 20 लाख शेयर धारक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बड़े ग्रुप में, जिस तरह से खबर आई है उसके बाद इस पर नजर इसलिए बढ़ रही है। साथ ही अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, FY12 से लेकर FY15 के दौरान कैसी रही है परफॉर्मेंस, आप पहले नेट सेल्स पर नजर डालिए। देखिए FY12 में नेट सेल्स थी 37,981 करोड़ की, वहां से बढ़ के आप 1,21,000 करोड़ को पार करती हुई दिखी। वहीं अगर आप इसके नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 गुना होते हुए दिख गए रजत, 31,463 करोड़ से बढ़ के अब 90,620 करोड़ थे FY15 के अंदर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, क्योंकि नॉर्मली कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स रहते हैं वो डिफाइन करते हैं कंपनी का कारोबार कितना साउंड है। आप ट्रेंड देखिए, FY12 में 93.05% थे, वहां से डिप हुए FY13 के अंदर आते आते 90.2% रहे, वहां से स्लाइड और बढ़ी FY14 के अंदर 84.5%, और फाइनली एक रिकवरी आती हुई दिखी FY15 में 94.75%। तो कहीं ना कहीं एक स्लंप आया लेकिन उसको रिकवर किया, FY15 में नंबर्स वापस इंप्रूव हुए। तो बेहद बड़ा ग्रुप है, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी 29 लिस्टेड कंपनियां हैं और उन पर आज नजर रखनी होगी किस तरह से उसमें इंपैक्ट आता जी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अंचल ने शेयर किए हैं, और इंटरेस्टिंग ये है कि एक CLSA की रिपोर्ट भी है, कुछ देर में आपको बताएंगे कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया। अलग अलग स्टॉक्स के बारे में उन्होंने राय दी है कि किस स्टॉक पर क्या असर आ सकता है इस खबर का। लेकिन हितेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। हितेश, अब टाटा ट्रस्ट ने जिस तरह से मिस्त्री को हटाया गया है, और इस पूरे ही मामले पर पूर्व सॉलिसिटर जनरल मोहन प्रासरन की भी राय ली गई थी, इसका मतलब यह है कि फैसला अचानक नहीं लिया गया होगा और टाटा ट्रस्ट ने भी इस मामले में पूरी कानूनी तैयारी की होगी। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है और ये बड़ा सोचा समझा फैसला है, इसे कोई तर्क वितर्क का भी आधार नहीं देना चाहिए। इसको मैं जो अंग्रेजी में कहते हैं, ये दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड डिसीजन, और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोल्ड ब्लडेड डिसीजन लेती है, और टाटा तो काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जाने भी जाते हैं, उस हिसाब से उनके पास लीगल टीम भी बड़ी है, तो इतना बड़ा जब निर्णय लिया जाता है तो आप सारी लीगल जो भी आपको लीगल एडवाइस मिलती है उसी के तहत आप लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा सोचा समझा लिया हुआ डिसीजन है, जिसका काफ़ी लीगल आधार भी लिया गया है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ भी डिस्कस किए गए हैं। ओपिनियन लेते समय ये भी ओपिनियन लिया गया रहेगा कि अगर इसे कोई चैलेंज किया जाता है
तो क्या ग्राउंड्स होंगे और वेदर वो चैलेंज सक्सेसफुल रह जाएगी, तो ये सारा ओपिनियन और आधार लेने के बाद ही लगता है कि बोर्ड ने ये निर्णय लिया दिया। बिल्कुल, और बोर्ड की ओर से स्टेटमेंट्स आए भी हैं टाटा सन्स की ओर से कि पूरे ही कंप्लायंस के साथ उन्होंने ये डिसीजन लिया है। सुमित और अंचल, आप दोनों का शुक्रिया पूरी ही डिटेल्स इस खबर से जुड़ी बताने के लिए। हितेश, आपका भी शुक्रिया शामिल रहने के लिए शो में। अब बड़ा सवाल यह है कि आज टाटा समूह के जो शेयर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हरी, मैं आपके आपसे जानना चाहूंगी, पूरे ही ग्रुप पर आज नजर रहेगी, लेकिन कुछ स्टॉक्स जिन पर आज इस खबर का आप नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, स्पेशली टाटा स्टील, क्योंकि सायरस मिस्त्री के आने के बाद एक बड़ा बदलाव टाटा स्टील में हुआ, वो ये हुआ कि यूरोप में जो लॉस मेकिंग बिजनेस है, जो स्टील बिजनेस, उसको सेल करने की खबर, और माना यह जा रहा है कि इस डिसीजन को लेकर टाटा सन्स में, और मतलब पूरे टाटा ग्रुप में और मिस्टर मिस्त्री के डिसीजन में लेकर टिफ था। तो क्या कोई नेगेटिव इंपैक्ट आप देख रहे हैं टाटा स्टील पर आज? देखिए, मेरे ख्याल से जो डिफरेंस आया है बिटवीन दी टू ग्रुप्स, ये इसेंशली दो मैटर्स में आया है। एक तो टाटा स्टील का जो यूके बिजनेस है, आई थिंक उसको बेचने को लेके आया है, और दूसरा है जो टाटा डोकोमो का जो डिस्प्यूट हुआ, जहाँ पे $1.2 बिलियन कॉम्पेंसेशन देना था, और आई थिंक दैट इज स्टक ऑन सम टेक्निकल पॉइंट। आई थिंक ये दो मेरे ख्याल से मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट है। जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल, आई थिंक द वन स्टॉक दैट कुड गेट अफेक्टेड नेगेटिवली इज टाटा स्टील, क्योंकि टाटा स्टील जो रैली किया है, आई थिंक 350 से 440 तक रैली किया है, दिस वॉज ऑन द बैक ऑफ द एक्सपेक्टेशन दैट यूके बिजनेस का रिस्ट्रक्चरिंग होगा, वो बिक जाएगा और फिर उसका कैश कंपनी में आ जाएगा। आई थिंक इफ दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, शायद से टाटा स्टील का एक नेगेटिव रेटिंग हो सकता है। तो आई वुड बिलीव दैट आज टाटा स्टील पर डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं हम लोग मार्केट में। चलिए, राजेश सतपुते साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। टाटा ग्रुप समूह के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब मार्केट्स पे एक तो आप बताएं कि अब एक्सपायरी से पहले मार्केट्स पे आपकी क्या कॉल है, निफ्टी कहां तक जा सकता है, ओवरऑल अगर टाटा ग्रुप को ट्रैक कर रहे हैं आप, तो एक स्टॉक जहां पर आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं? मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अगर यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो कल हमने देखा 8700 का जो पुट है उसमें रफली 5.5 लाख शेयर ऐड हुए हैं, और 8600 के पुट में रफली 2.5 लाख शेयर ऐड हुए हैं। जो कॉल की राइटिंग दिख रही है वो है 8800 के कॉल में रफली 4.5 लाख शेयर इसमें राइट हुए हैं। टोटल अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो 8600 का पुट और 8800 का जो कॉल है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। इसका मतलब है कि जो एक्सपायरी है ये इसी रेंज के बीच में रहनी चाहिए। सो उस लिहाज से एक स्ट्रैटेजी में यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको एक शॉर्ट स्ट्रैंगल करना है, जहाँ पे 8600 का पुट और 8800 का कॉल बेचना है। 8600 का पुट 14 रुपीज़ पे मिलता है, 8800 का जो कॉल है वो 16 रुपये पे मिलता है, यानी ये दोनों अगर बेचेंगे तो आपको रफली 30 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। हमारा व्यू यही है कि एक्सपायरी जो है वो ये 8600 और 8800 के बीच में ही रहेगी। अगर आप निफ्टी 8570 के नीचे चला जाए या 8830 के ऊपर चला जाए तो फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सबड्यूड है। देखिए, आपने टाटा ग्रुप की बात की, मुझे लगता है कि आई डू एग्री विथ हरी ऑल्सो कि टाटा स्टील में ज़्यादा सेलिंग या प्रेशर आएगा, क्योंकि इसका जो प्राइस पैटर्न है, इट्स अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन, इट्स अ बेरिश फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि यहाँ से टाटा ग्रुप में जो टाटा स्टील है 430 से लेकर रफली 350-360 तक करेक्ट होगा, और बाय साइड में अगर खड़ा होना है तो मुझे टाटा इलेक्सी ज़्यादा बेहतर लगता है। टाटा इलेक्सी देखिए 2200-2300 रुपये से करेक्ट होकर रफली 1330 तक जाके सेटल हो रहा है, इट इज़ ट्रेडिंग एट एन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी। मुझे लगता है रिजल्ट पोस्ट रिजल्ट इसमें बहुत अच्छी रैली दिखेगी, डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम है, सो वन कैन गो लॉन्ग इन टाटा इलेक्सी। स्टॉप लॉस हैज टू बी समवेयर बिलो 1300 रुपीज, और हमारा जो टारगेट है वो है 1450 का। जी, तो राजेश ने टाटा समूह से दो स्टॉक्स चुने, टाटा इलेक्सी को बाय करने की सलाह दे रहे हैं और टाटा स्टील यहां पर सेल करने की सलाह है इंट्राडे में, और ऐसा माना भी जा रहा है क्योंकि सारस मिस्त्री एक मेन ड्राइवर रहे थे टाटा स्टील की, जो स्ट्रैटेजी रही थी यूरोपियन एसेट्स को सेल करने की, अब वो उसमें डिले हो सकता है, इसीलिए एक नेगेटिव इंपैक्ट आज टाटा स्टील पर दिख सकता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो कि आज खबरों में है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो पंजाब नेशनल बैंक पर ही रहेगी, पीएनबी हाउसिंग का आज से आईपीओ ओपन हो रहा है, एक मच अवेटेड आईपीओ जो कि आज ओपन होगा, 27 अक्टूबर को क्लोज होगा। प्राइस बैंड 750 से 775 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ज्यादातर हाउसेस ने इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। इंपॉर्टेंट होगा पीएनबी का प्राइस एक्शन भी, क्योंकि 51% के आसपास स्टेक है पंजाब नेशनल बैंक का पीएनबी हाउसिंग में, और एक कह सकते हैं कि पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अब नए प्लेयर के एंट्री के बाद जो वाइब्रेंसी है वो और एक्सटेंड होगी। लेकिन आपकी राय क्या है हरी, पीएनबी हाउसिंग के आईपीओ पर क्या आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने की सलाह देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग गेन्स लेकर निकलने की सलाह देंगे, और पीएनबी पर भी आपका आउटलुक क्या होगा इसी खबर की वजह से?
सी पीएनबी हाउसिंग का मैंने नंबर्स देखे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा वैल्यूएशन रिच है. आई वोंट से इट इज ओवर वैल्यूड बट डेफिनेटली मुझे काफ़ी रिच लग रहा है वैल्यूएशंस. यू नो आप मोर एस्टैब्लिश प्लेयर्स देखोगे, जैसे आपको LIC हाउसिंग फिनांस है या दीवान हाउसिंग है जो कि काफ़ी सालों से लिस्टेड है, आपको आई थिंक ये काफ़ी बेटर वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं और इनके बिजनेस विजिबिलिटी भी इट्स मच बेटर कंपेयर टू PNB लाइफ. तो मेरा कंसर्न सिर्फ वैल्यूएशन पे है. आई एम श्योर दैट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आर गुड, द बिजनेस इज गुड, पर मेरा मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन शायद थोड़ा रिच है. एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इनका जो पैरेंट कंपनी है वो खुद काफ़ी NPA प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, आई वुड प्रॉब्ली स्टे ऑफ दिस IPO फॉर द टाइम बीइंग. एबी नोवो के पर खबर यह है कि RBI ने कंपनी में FPI निवेश सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी है. 24% से बढ़ाकर FPI निवेश सीमा जो है वो 30% करने की मंजूरी है. तो पॉजिटिव खबर है, एबी नोवो पे इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है. राजेश जी, टेक्निकल सेटअप के हिसाब से एबी नोवो कैसा लग रहा है? देखिए, आदित्य बिरला नोवो का जो हमने एक रन अप देखा था वो रफली 838.40 से लेके रफली 1600 से तक देखा. उसके बाद एक निगेटिव न्यूज़ आई थी, उसके बाद हमने देखा एक शार्प सेल ऑफ गैप डाउन करके आदित्य बिरला नोवो ने दिया था 1140-1150 तक. वहाँ से हम लोग एक टेक्निकल बाउंस देख रहे हैं. सो इट इज़ क्लियर इंडिकेशन कि इसका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो स्लाइटली वीक है. मुझे नहीं लगता 1350-1340 के ऊपर इमीडिएट जाएगा, और इनफैक्ट लेट मी करेक्ट, 1440 के ऊपर जाएगा. और इनफैक्ट एट करंट लेवल 1350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अगर ये ब्रीच होता है तो मे बी इट कैन स्लाइड डाउन टू 1200 लेवल. सो जो पैटर्न है वो बेरिश है. इट्स अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी. जी, जुबिलेंट लाइफ पर भी नजर रखिए. थर्सडे को कंपनी की बोर्ड बैठक है और इस बोर्ड बैठक में NCD के जरिए 1000 करोड़ जुटाने की योजना है. स्टॉक 687 पर ट्रेड कर रहा है. हरी, आपका आउटलुक क्या है जुबिलेंट लाइफ पर? पिछले क्वार्टर की अर्निंग स्ट्रॉन्ग रही, तब का रन अप जो शुरू हुआ वो अभी तक कायम है. आप थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन ऑलरेडी 3 महीने में एक अच्छी तेजी दिखा चुका है. इन स्तरों पर आप क्या कर रहे हैं शेयर में? नहीं, मैं आई थिंक एक दो दिन पहले चार्ट देख रहा था, ये स्टॉक ने लगभग 100% रिटर्न दिया लास्ट 4-5 मंथ्स में. तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है. पर इसकी जो बिजनेस मॉडल है, आई थिंक जो यू नो स्पेसिफिक फार्मास पे फोकस है, मुझे लगता है कि इसका शायद यहाँ से और अपसाइड्स पॉसिबल है और मोमेंटम इज स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ द स्टॉक. तो मुझे लगता है एटलीस्ट 750-780 तक तो ये स्टॉक जा ही सकते हैं यहाँ से. चलिए, लेकिन उत्तम गल्वा और बाकी स्टील कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर है, वो ये है कि वित्त मंत्री ने बैंकों को स्टील कंपनियों के मदद के निर्देश दिए हैं. स्टील कंपनियों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने के ये निर्देश दिए गए हैं. तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरे स्टील सेक्टर के लिए, उसका असर डेफिनेटली आज उत्तम गल्वा जैसे स्टॉक्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा. स्टील सेक्टर पर राजेश जी, कोई स्टॉक आपको पसंद है अभी खासतौर से उत्तम गल्वा? अगर इस स्टॉक को ट्रैक करते हो क्योंकि यहाँ पर लेटर हाफ में कल बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक था ये. देखिए, डेफिनेटली एक बहुत अच्छी मूव हमने कल देखी और इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन में है, एक कंसोलिडेशन साइडवेज ट्रेंड में है एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, जिसका रेजिस्टेंस बनता है रफली 35 के आसपास. इसका जो 200 DMA लेवल है दैट इज 30. तो मुझे लगता है अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे रफली 28 का तो इट्स अ बाय. अपसाइड में इसका जो प्राइस पोटेंशियल है वो रफली है 44 rupees तक. सो रिस्क टू रिवॉर्ड इज क्वाइट फेवरेबल, सो वन कैन गो लॉन्ग. इसका टेक्निकल ब्रेकआउट जैसे मैंने अर्लियर कहा कि 35 के आसपास है, 35 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा तो मे बी यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 30 rupees एंड यू कैन होल्ड फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 44 rupees. इट्स अ गुड कॉल.